ल्ताफान को बाद में पता चले सबक गवर्नर सिंध हकीम मोहम्मद सईद का जहां के का ताल्लुक है तो निन्यानवे फीसद शवाहद यही थे कि एम क्यू एम ने कतल किया इसको लेकिन ए, उस जमाने में बहुत से कतल ऐसे थे जिसकी परमिशन मरकज़ी क़्यादत से होती थी और बाद कत्ल ऐसे थे जो ए, सेक्टर या यूनिट लेवल और बाद इसमें क्योंकि एम क्यूम के बारे में अगर आप समझते हो कि एम क्यूम एक ऑर्गेनाइजेशन नहीं थी ये मुख्तलिफ हज़ारों ग्रुपों का मजमू थी क्योंकि एम क्यूम बनने से पहले कराची में हर इलाक़े में दो से पाँच ग्रुप पाए जाते थे ये इन ग्रुपों की खिदमत जो है वहाँ की जो पॉलिटिकल पार्टियाँ होती थी जब इलेक्शन लड़ती थी तो वो इन ग्रुपों की खिदमत लेती थी एम क्यूम के जब तूफ़ान आया तो वो इतना सारे सारे रेले को बाहर ले गया और उसमें से वही बच सके उस ज़माने के वो ग्रुप्स जो कि एम क्यूम में शामिल हुए तो बहुत बड़ी तादाद थी उन ग्रुपों की तो उसमें फिर आम लोग भी आते गए और दूसरे लोग भी आते गए तो ये मुख्तलिफ़ ग्रुप वजूद में आ गए हर ग्रुप अपने जहाँ तंजीम के मफादात का ख़्याल करता वहाँ अपने ग्रुप के मफादात का भी ख्याल करता इस वजह से मरकज़ी क़्यादत का एक जो कंट्रोल था वो भी होता था लेकिन साथ में कुछ दूसरे ग्रुप थे जो मुख्तलिफ़ और मफादात के लिए भी काम करते थे उसमें जो गाड़ी इस्तेमाल हुई वो गाड़ी लियातबाद से बरामद हुई उसमें एक एम क्यूम लेबर डिवीज़न एजुकेशन सेक्शन के कुछ डॉक्यूमेंट भी बरामद हुए जिसमें वहाँ के साथ की लिस्टें थी जो वो ट्रांसफ़र पोस्टिंग कराया करते थे तो दो नाम काबिल जिक्र आए कि एक अब्दुलवाहाब बंधानी का लियातबाद सेक्टर से और दूसरा बंस रोड सेक्टर से नकीब नाम का बंदा लेकिन उस दौर में ए, एक और बंदा यानी जिसकी वजह जो मरकज़ी इसका जो पुलिस ने जो मुलजम ठहराया वो लियाबाद का जॉइंट सेक्टर इंचार्ज था आमिरुल्ला आमिरुल्ला के हवाले से ये हुआ कि आमिरुल्ला को हकीम सईद के कतल से तकरीबन तीन महीने या कम में टाइम होगा उसकी मॉनिटरिंग हो रही थी और एक पुलिस ने एक इन्फॉर्मर जो पुलिस में हेड कांस्टेबल था और किसी ज़माने में वो एपी पी पी हुआ करता था तो वो हकीम आमिरुल्ला के लिए काम करा रहा था हत्या कि इतनी मॉनिटरिंग हो रही थी कि आमिरुल्ल ज़माने में कुछ अरसे यानी इसकी कुछ अटैचमेंट दावत इस्लामी वालों के साथ भी थी तो ये नाते पड़ा करता था तो उस ज़माने में लियातबाद थाने में इसकी कैसेटें मंगाई जाती थी और वो कैसेटें पुलिस वाले बैठ के सुना करते थे और उसमें शनाख्त भी होती थी कि ये बंदा है इसको उठाना है तैयारी होती थी पूरी तो मैं जाया करता था मैं उस वक्त हफ्ते रोज़ा तकबीर में था और मेरी पुलिस में बड़ा सरोसुख था तो आमिरुल्ला को आ, आ, उस पुलिस अफसर जिसके ज़रिए उन्होंने हेड कांस्टेबल के ज़रिए जो है ना काम किया उसने आमिरुल्ला की एक मशूक होती थी गर्लफ्रेंड थी इसकी उससे पुलिस की सेटिंग कराई और आमिरुल्ला की तमाम जो मूवमेंट थी वो उसके ज़रिए जो उस ज़माने में लिया के एस एच थे आ, तो उनके पास वो सारी इस मकसद की इन्फॉर्मेशन आया करती थी मुझे थोड़ी सी इसमें ज़्यादा चीज़ें एक तो एक इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग में किया करता था इस वजह से भी था दूसरा ये हुआ कि हकीम सईद के कतल के फौरी बाद जो है वो जो एस एस पी सेंट्रल थे फारूक़ अमीम कुरेशी उनको उस वक्त प्राइम मिनिस्टर के मुदाखलत पर उनको जो है तरक्की देते हुए डी आई जी कराची मुकर किया गया डी आई जी कराची की पोस्ट ऐसी है जो आज एडिशनल आई जी कराची होते हैं तो और राना मकबुल उस वक्त आई जी थे तो मुझे जो है वो उस वक्त कराची पुलिस का मीडिया एडवाइज़र मुक्र किया गया तो ये जितने भी मामलात हुए इसमें मेरी इन्वालमेंट थी मैं तमाम मीटिंग्स के अंदर जितनी इंटरोगेस होती थी जितना काम होता था उसमें शरीक था मेरे पुलिस के साथ ये कमिटमेंट थी कि हम जो है ना जे, काम जेन्यन करेंगे और बिल्कुल जेन लोगों के ख़िलाफ़ काम करेंगे और इंटरोगेशन भी जेन्यन करेंगे और केस जो सबमिट करेंगे वो पूरी शवाहिद के साथ हम वो काम करें उसमें कोई झूठ या गलत काम नहीं होगा तो मैं उस कमिटमेंट पर कायम था लेकिन और मेरी नॉलेज में भी था कि आमिरुल्ला पे काम हो रहा है उसी दौरान हकीम सईद का वाक़ पेश आया तो हकीम सईद का वाक़ पेश आया तो फ़ारुक़ अमीन कुरैशी ने कहा कि मुझे जो है ना फौरी तौर पर ये पोस्ट हासिल करनी है तो इसके लिए हम क्या करें तो उन्होंने जो आ, उस जमाने में एस एचो थे कमर लखदाबाद के तो वो इनके यानी गुड लिस्ट में थे तो कमर ने फौरी तौर पे जो है वो आमिरुल्लाह को वहाँ से गिरफ़्तार किया यानी एक एक, एक बात पे एक शादी की महफिल में शरीक था तो जब ये वापस निकला तो पुलिस ने इसको उठा लिया और इसको फौरी हमने गिरफ्तार यानी पुलिस ने गिरफ्तारी शो नहीं की आमिरुल्ला से तफ्तीश हुई आमिरुल्ला के काफ़ी केसेस में वांटड था पहले से वो लेकिन जब तफ्तीश हुई तो उसमें यह साबित हुआ कि हकीम सैद केसे तल्लुक़ नहीं उसने जो इन्फॉर्मेशन दी हमें वो सिर्फ ये दी कि उसने बोला कि ये मेरी नॉलेज में था कि ये एजुकेशन डिपार्टमेंट ने यानी जो हम हमारे लिबर डिवीज़न है उन्होंने ये गाड़ी जो है ना लियातबाद सेक्टर के पास आर्जी तौर पर रखवाई थी और ये कार्रवाई के बाद भी हमारे पास आई तो मुझे ये तो पता था लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि हकीम सईद का कतल होने वाला है या ये किन लोगों ने किया है लेकिन वो उन लोगों की जो है ना निशानदेही कर सकता था कि जो लोग गाड़ी रिसीव की तो हमें केस का सिरा सिरा हाथ आ रहा था हमारे लेकिन फारुक़ अमीन कुरेशी ने कहा कि अगर हम तफसील में जाएंगे तो ये केस सॉल्व नहीं हो पाएगा हम पब्लिक को भी मतम नहीं कर सकेंगे गवर्नमेंट को भी मतम नहीं कर सकेंगे और हमें कोई इसका फ़ायदा नहीं होगा अगर हम आमिरुल्ला को इस केस में डाल दें तो उसका फ़ायदा ये होगा कि मुझे अहदा मिल जाएगा ये एस सेंट्रल थे लिजा फौरी तौर पर आमिरुल्ला को पुलिस ने अनाउंस कर दिया कि आमिरुल्ला हकीम सईद का मरकज़ी मुलिम गिरफ़्तार हो गया तो आमिरुल्ला को उन्होंने शो कर दिया देखिए उमन जो टारगेट किलिंग होती है वो उस वक्त होती है जब किसी शख्स की रूटीन हो हकीम सईद की जो टेररिस्टों की नज़र में ये खामी थी कि उनका हर चीज़ का एक वक्त मुकर था खाना खाने का वक्त घर से निकलने का वक्त ये क्लिनिक पहुँचने का वक्त तो वो घर से निकल के जो अपना आराम बाग के एरिया में उनका मरकजी क्लिनिक था वहाँ पहुँच पहुँच रहे थे पर उनका टाइम मुकर था वो तो बिल्कुल परफेक्ट टाइम वाले आदमी थे यानी जो टाइम देते तो उसी टाइम पे मौजूद फ़ौजी टाइम था उनका बिल्कुल तो वो एक आसान टारगेट थे उनकी कोई सिक्योरिटी नहीं होती थी कोई चीज़ नहीं थी तो लिहाजा जब ये हकीम सईद की जब गाड़ी रुकी और हकीम सईद उसमें से उतरे तो ये वैन उनके पीछे आ रही थी वैन सिरकती हुई आई और वो ख़रीब आके उसमें वैन की खिड़कियों में से गोलियाँ चलना शुरू हुई यानी वो फायर एक आदमी नहीं कर रहा था वो एक से ज़ायद थे तो वो जो गोलियाँ पर हकीम सहीद के लगी तो मौके मौके पर जाए वो खूब उसी वक्त वो शहीद हो गए तो उसकी एफ जो है वो आराम बाग जुडिसडिक्शन क्योंकि आराम बाग था आराम बाख थाने में उसकी एफ कटी अलबा इन्वेस्टिगेशन लियादाबाद पुलिस को दी गई दूसरी बदकस्मती हकीम सहीद केस की ये थी कि जिस वक्त ये बात सामने आई कि इसमें वहाँ बंधानी नाम का कोई बंदा शामिल है तो इन्होंने एक जितने वहाब नाम के बंदे थे पूरे पाकिस्तान से सिर्फ कराची से नहीं पूरे पाकिस्तान से वहाब नाम के बंदे उठाए जाने लगे इस तरीके से उस वक्त हकीम सईद केस के मुलज़मों की तादाद सौ से तजावस कर गई और उनमें से एक बंदा जो कोयटा से पकड़ा गया था उसे उन्होंने वहाब बंदानी शो करके उस जमाने में पी टी वी के नौ बजे का जो खबरनामा आता था उसमें बाकायदा इस बात का ऐलान कर दिया कि हकीम सईद का जो मरकजी ये मुलजमान में शामिल वहाँ बंदानी पकड़ा गया हालांकि असल वहाँ बंदानी पकड़ा भी नहीं गया था और वो कोयटा में भी नहीं था वो वही कराची में था तो ये यानी कराची के उन हाई प्रोफाइल केसेस में से है हकीम सईद केस जिसके सौ से ज़्यादा मुलम पकड़े गए चालान फिर उसमें से कम लोगों का हुआ लेकिन वो चालान में क्योंकि असल मुलम शामिल नहीं थे लहजा इस केस के पुलिस की गैर चारी चीज़ें अदालत में साबित नहीं हो सक और चंद सालों बाद सारे मुलजिम बाइजत भरी हो गए देखिए जब आमर उल्ला पकड़ा गया तो उस पर पुलिस ने जितने केसेज उसके पर जिसमें नोमिनेट था वो बाज़ केस उसने कबूले बाज़ नहीं कबूले उसने हकीम सईद पे तो एक बड़ा मामला था वो किसी सूरत राज़ी नहीं था क्योंकि हकीम सईद पॉपुलर आदमी थे और उनके खातिल को लोग बड़ी नफरत और बड़ी उसकी निगाह से देखते तो उसको एक बड़ा खौफ था उसका वो राज़ी नहीं हो रहा था तो उन्होंने जो नॉर्मल टॉर्चर जो पुलिस का रूटीन का जो टॉर्चर तो तरीक़ा होता है उगलवाने का वो उन्होंने उस पर रखा हुआ था मैं उस ज़माने में जब थाने आता तो अक्सर मैं ए, ए, क्योंकि इस केस के अंदर वो जब फारुक हम खुरीशी डी आई जी बने एस एस पी सेंट्रल से और जो एस एच ओ लियादबाद थे ख़मर अहमद वो इसमें डी एस पी बने तो मैं डी एस पी ख़मर के दफ्तर में अक्सर बैठता था सरवर कमांडो उस वक्त एस एच ओ उनर की जगह एस एच ओ खसवर कमांडो को लगा दिया मैं जब वहाँ बैठता था मुझे इसकी चीखों की आवाज़ आती थी तो और ये फिर बाद तकलीफ़ में जब इसको छोड़ देते थे वो तो वो ये नाते पढ़ता रहता था ये मैं सुनता था उसकी सारी आवाज़ें तो मुझे बड़ा वो होता था बुरा भी लगता था सारी चीज़ें तो वो राज़ी नहीं हो रहा था तो हुआ यह कि उस ज़माने में एक टॉर्चर की एक बेहतरीन मशीन आई जो एक जो है ना एक अफसर ने इंट्रोड्यूस कराई उस ज़माने में वो साढ़े तीन हज़ार रुपये की थी और वो सिंगापुर से मंगाया कर मंगाते थे उस बंदे की कोई लाइन थी वो सिंगापुर से मंगाता था वो एक छोटा सा स्प्रे है उसमें दो चीज़ें थीं उसमें एक स्प्रे होता था अगर वो आपके ज, नंगा करके ज, आपको नेकेट करके आपके जिसम पे किसी भी जगह जब स्प्रे मारेंगे तो ज़्यादातर वो अमर के जो ना शर्म पे आगे पीछे वो स्प्रे मारा जाता था जब वो स्प्रे पड़ता था तो उससे एक ज़बरदस्त कस्म की खुजली होती है और बंदा इतना खुजाता है कि खाल उसकी खाल उतर जाए लेकिन खुजली ख़त्म नहीं होती फिर उसका तोड़ होता है तोड़ कर लेते हैं वो तो जब वो राज़ी हो जाता है तो वो जब उसको स्प्रे मारते थे तो वो शदीद खुजाता था और वो उसमें फिर मान लेता था कि मैं हकीम सईद को मैंने कतल किया दूसरा उसमें एक चीज़ होती थी के उसमें एक जिसकी आगे निप थी जो पॉइंट था जो जहाँ से उसका ढकना उधर एक करंट खास लेवल का करंट लगता है जिसमें इंसान मरता तो नहीं है लेकिन अजियत बड़ी होती है तो वो उसको नाजुक आजब पे वो करंट भी वो सब लगाया कर लगाया करते थे तो ये बेसिकली मैंने उस जमाने में बोल के पुलिस से बोला भी कि इसमें जो इसने कबूला है उसमें आपके रिवायती तशद्द से ज़्यादा इस स्प्रे ने काम किया है जो सिंगापुर से मंगाया गया तो आमिरुल्ला वो स्प्रे के खौफ में बहुत ज़्यादा मुबतला था उसको बार बार ये होता था मुझे वो स्प्रे ना करें जो बोलेंगे मैं मानूँगा तो वो स्प्रे ने बेसिकली हकीम सईद कतल के से बुलवा दिया तो मेरा उस पर इतराफ हुआ मैंने उनसे कहा कि क्योंकि पुलिस ने एक कमिटमेंट किया आमिर के साथ आमिर को शुरू में टॉर्चर किया उन्होंने और काफ़ी चीज़ें हुई लेकिन तमाम पुलिस के तमाम हरबों के बावजूद जो चीज़ें कहानी आई तो उसमें हकीम सईद का कोई जिक्र नहीं था तो उन्होंने आमिरुल्ला को ये कहा कि आपके जो बाकी क्योंकि उसके दर्जनों केसेस थे अगर हम सारे केसेस में आपको क्लियर कर दें सिर्फ़ आप ये कतल मान लो आमिरुल्ला राजी हो गया उसकी सिर्फ शर्त ये थी कि मुझे यानी लॉकअप में ना रखा जाए मुझे प्राइवेट कमरे में रखा जाए और मुझे सारी आसाइशें वगैरह दी जाएं, वो पुलिस से उस पर मान गई और उसको इजाज़त दे दी गई तो मेरा उस पर मगर इख्तराफ हुआ मैंने बोला कि इसमें ये नुकसान हो रहा है कि जो केसेस में वो इसकी इन्वॉलमेंट थी आप उससे उसको नाजायज़ उसको इसको जो है ना उसको क्लियर कर रहे हैं दूसरी बात यह कि जिस केस में वो इन्वॉल्व नहीं है आप उसमें शामिल कर रहे हैं उससे असल जो मुलजम है उनको फ़ायदा होगा तो यहाँ से मेरा पुलिस का इतलाफ शुरू हुआ उसमें दूसरा इन्होंने ये किया कि ये साबित करना था कि वो क्योंकि अदालत तो नहीं मानती हर चीज़ साबित करना था उसके लिए इन्होंने एक जाली गवाह मुझे पूरा उसका नाम इस वक्त याद नहीं है लेकिन उसको गुड्डू यार से बोलते थे और वो अले आख का क्रिमिनल था एम के एम से उसका ताल्लुक था उसको उन्होंने पुलिस ने डील की मैं खुद उस मीटिंग में बैठा और पुलिस ने उनके साथ ये डील की कि हम आपके तमाम केसेस क्लियर कर देंगे और आपको अभी इस वक्त यक मुझ जो है ना पच्चीस हज़ार रुपये गिफ्ट देंगे और आपने जैसे हमने च, आ, करना वैसे ही आप बोलोगे गुड्डू राज़ी हो गया उस पर तो उन्होंने एक जाली गवाह गुड्डू का बना लिया दूसरा ये हुआ कि हकीम सईद का आ, जो केस हुआ जो कोई भी केस होता तो एक, एक सौ चौहत्तर की कार्रवाई होती है और जो भी सामान होता है उसको जो है ना उसको केस प्रॉपर्टी बोलते हैं मिसाल के तौर तो पर मखतूल के जिसम से जो गोलियों गोलियाँ निकली निकली हैं एम एल ओ के यानी पोस्टमार्टम में या जो खोल जाए व खूव से बरामद हुए उन सबको एक एक बॉटल में रख के उसको बाकायदा सील किया जाता है मजिस्ट्रेट की निगरानी में उस पर सिग्नेचर होते हैं और वो केस प्रॉपर्टी कहलाता है उसकी बड़ी अहमियत है केस में अगर आप केस प्रॉपर्टी को जूँ का तू रखेंगे तो बिल्कुल इन्वेस्टिगेशन सही होगी उस ज़माने फॉरेंसिक टेस्ट हुआ नहीं करते थे ये केस प्रॉपर्टी हो गया तो उन्होंने ये किया कि जिस कलाशन को से जो है ना जो एक, एक, एक उन्होंने ज़माने में एक बंदा हुआ था उसका नाम था शाहिद बर्फ़ वाला वो प्लेमक्यम में बड़ा सरगर्म था मोस्ट वांटेड था काफ़ी उसने किल, किलिंग की थी उस जमाने में उसने तोबा कर ली थी और तौबा करके अब वो लियाबाद की एक मस्जिद में पांच वक्त की नमाज़ पढ़ने आता था पुलिस को इन्फॉर्मेशन मिली कि ये नमाज़ पढ़ने मस्जिद में आ, आता है उन्होंने जो है वो ए, उसके लिए रेड किया इंस्पेक्टर नासुरह हसन की ड्यूटी लगाई गई रेड किया शाहिद बर्फ़ाला को उठा लिया उसके घर से कलाशनकोफ बरामद हुई वो उन्होंने रख ली और शाहिद बर्फ़ाला को पुलिस मुकाबले में मार दिया गया और जो कलाशनकोफ थी वो हकीम सईद के, के केस में डाली गई आमिरुल्ला पर तो उन्होंने ये किया कि इंस्पेक्टर हसन ने उस कलाशन गोफ से फायर किए और उसके जो खोल निकले और वो गोलियां सारी चीज़ें उन्होंने रख के जो है ना एक नया जाली के प्रॉपर्टी केस बनायानी हकीम सईद की जो असल गोलियां जो उनके जिसम से बरामद हुई थी जाया कर दी गईं जाए वो ख़ुआ से जो खोल बरामद हुए थे वो जाया कर दिए गए और इस केस को साबित करने के लिए ये केस प्रॉपर्टी को तब्दील किया गया मेरा शदीद अख्तिलाफ़ हो गया मैंने डी आई जी से बोला कि आप कराची के हाई प्रोफाइल केसेस तबाह करके मुस्तबिल में कराची को बर्बाद कर देंगे क्योंकि इससे असल मुलजम बच निकलेगा और आइंदा ये इनको तखवियत मिलेगी टेररिस्ट जो टेररिस्ट अनासर हैं इनको तखवियत मिलेगी एन डिया जी साहब अपने अहदे के लिए वो मुझे ये की बात बोल मेरा मेरा इतलाफ ये था कि आपने ये कर दिया है अब हकीम सईद केस से वन सिक्सटी नाइन लगा के इसको क्लियर करें और जिन जेनियन केस में ये इन्वॉल्व है उस केस में इसका चालान करें तो मुझे फारुक़ अमीन कुरैशी ने कहा कि यार तुम अजीब बात करते हो मैं अगर ये आमिरुल्लाह को इसमें वन सिक्सटी नाइन लगाता हूँ तो कल को प्राइम मिनिस्टर बो, बोलेगा कि मैं, तुमने हकीम सईद का खातिर पकड़ा था मैंने तुम्हें डी आई जी कराची मुखर किया करवाया और आज तुम कहते हो कि ये बंदा क्लियर है तो बोला मुशर साहब किसी सूरत भी ऐसा नहीं हो सकता कि ये जो है ना वन सिक्सटी नाइन लगे केस क्लियर हो मैंने बोला फिर मैं आपके साथ नहीं खड़ा हूँ आप ये बात जारी रखिएगा ये बंदा इन जालीस शवाहिद की वजह से बाजत बरी हो जाएगा और ये कराची का और कराची के शहरीों का नुकसान है मैं नहीं माने तो इस तरीक़े से जाली गवाह बनाए गए ज़ाली मुलजिम पैदा किया गया और जाली कैलाशनकोफ़ जो को यूज़ भी नहीं हुई थी हकीम केस में वो डाली गई और आमिरुल्लाह को मरकज़ी मुलजिम बना के वो किया गया उस ज़माने में ये एम के में ये था कि बहुत से कत्ल अगर मरकज़ी क़्यादत के हुक्म पर होते थे लेकिन बास कतल ऐसे थे जो मुख्तलिफ ग्रुप्स के उस पर होते थे एम क्यूम जैसे मैंने आपको बताया था कि एम क्यूम मुख्तलिफ ग्रुपों का मजमुआ था तो उस ज़माने में इमरान फारूक ग्रुप था और ्फ़ार हैदर ग्रुप था जैसे हकीम सईद का जो, 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 जो मरकज़ी मास्टर माइंड कहते हैं उसफ़ार को कहते हैं ्फ़ुख़ार उसके बाद मुल्क से फरार भी हुआ और कभी पाकिस्तान आया भी नहीं और आज फ़ार हैदर का कोई नाम भी नहीं जानता जबकि वो सिंध से सूबाई इसम्बली का मंबर था तो इस तरीके से मुख्तलिफ ग्रुप थे सफदर बाखरी होते थे और सलीम शहजाद होते थे और ऐसे उनके अंदर काफ़ी बहुत बड़ी तादाद थी मुख्तलिफ ग्रुपों की और उनके जो ग्रुप हेड होता था बाद वो भी कोई ऐसी कार्रवाई करता था कि अलताफ़ हजन को बाद में पता चले तो वो उसका मगर अलताफ़ हजन की परमिशन नहीं होती थी उसमें ऐसे कत्ल हुए हैं तो इसमें यह भी गुमान है कि ये कत्ल ऊपर मरकज़ी ख़्यादत को पता भी ना हो और ये सिर्फ किसी एक ग्रुप ने किसी इंटरनल या एक्सटर्नल ख़ुतों के लिए बतौर अला बनके बन के हकीम सईद को रास्ते से हटाया